सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। लुधियाना के नानकपुरा क्षेत्र में स्थित पुरानी सब्जी मंडी में 3 मंजिला हौजरी इकाई में देर रात आग लग गई। आग हौजरी की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर लगी, जिस पर टीन की छत बनी हुई थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 10 से 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग में लाखों रुपए का कच्चा माल जलकर राख हो गया है। आग लगने की वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। लुधियाना में नानकपुरा क्षेत्र में पुरानी सब्जी मंडी में बहुमंजिला इमारत में आग लगी, देर रात आग लगी। आग लगने की वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र अरोड़ा इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, सबसे पहले तो इस समय की ताजा स्थितियों की बात करना चाहेंगे। रात 10 बजे आग लगी थी, जो खबरें मिली, अब क्या आग पर काबू पाया जा चुका है पूरी तरह से और वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये लुधियाना का गुरु नानक जो पूरा का इलाका है, वहां पर जो होजरी में जो आग लगने के कारण जो 3 मंजिला इमारत थी उसकी ऊपर वाली छत में जो अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो आग लगी और काफी जो कच्चा माल पड़ा हुआ था वो भी जो आग में मतलब खराब हो गया। और अभी तक जो फायर ब्रिगेड की ओर से जो 12 गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची थी और जिनकी ओर से आग पर काबू पाया गया, और उसके बाद में जो है पुलिस द्वारा इस मामले की भी जांच की जा रही है। हालांकि शॉर्ट सर्किट का जो है एक कारण बताया जा रहा है और लाखों का जो नुकसान इसमें हुआ है। जी, तो चलिए यहाँ पर बात करना चाहेंगे इस पूरे इलाके की। सुनने में आया है कि एक रिहायशी इलाका है और इस इलाके में ये हौजरी की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जी बिल्कुल, ये रिहायशी इलाका है, इसमें जो छोटी इंडस्ट्री छोटी होजरी है, जो कारोबारी है जो घर में अपने काम करते हैं, उनकी ओर से ये ऊपर की छत पर जो है काफी जो कच्चा माल पड़ा हुआ था और उसी के कारण जो ऊपर क्योंकि जो 3 चदरें डाली हुई थी वहां पर जो इनको स्टोरेज किया हुआ था और नीचे जो है वो काम चल रहा था। हालांकि इसमें जो है जाली मानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी जो लाखों का जो कच्चा माल पड़ा था वो जलकर जरूर राख हो गया है और कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी काफी सदमे में नजर आ रहे थे। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की ओर से अब मौके पर जो पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। तो चलिए यहाँ पर स्थानीय पुलिस की बात करना चाहेंगे हम, उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? जिस तरह से रिहायशी इलाके में पहली बात तो हौजरी की फैक्ट्री चलना, फिर इतना बड़ा हादसा होना, देखिए ये और भी भयावह हो सकता था। 10 से 12 गाड़ियां लगी हैं दमकल की। जी बिल्कुल, पुलिस द्वारा ये साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को लेकर जो जांच पड़ताल की जा रही है, हालांकि इस मामले को लेकर जो उसका लाइसेंस भी है फैक्ट्री का वो चेक किया जाएगा कि ये रिहायशी इलाके में जो फैक्ट्री बनाई गई है इसकी परमिशन इनके पास है या नहीं है। और जो दमकल विभाग की बात की जाए तो उनकी ओर से भी जो है सभी फैक्ट्री वाले हैं उनको सुचेत किया जा रहा है कि जो अपनी फैक्ट्री है वो कमर्शियल एरिया में बनाई जाए, ना कि रिहायशी एरिया में। राजेंद्र, क्या कोई कैजुअलिटी सामने आई है या सिर्फ माल का नुकसान सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर जो है माल का नुकसान ही सामने आ रहा है, इसमें कोई जाली माली नुकसान तो नहीं सामने आ रहा है। हालांकि इसमें लाखों का जो नुकसान है वो कच्चा माल जो जलकर वो राख। क्या फैक्ट्री मालिक से पूछताछ जारी है? जी, इस मामले को लेकर जो फैक्ट्री मालिक है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। हालांकि वो यही कह रहा था कि मेरा जो नुकसान काफी हो गया है और कैमरे के सामने बोलने से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए। कल रात जिस तरह से आग भड़की, तमाम रिहायशी लोग जो बाहर निकले इतने डर चुके थे कि आग इतनी भयंकर थी, दमकल की 10 से 12 गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस भयावह आग पर काबू पाया। हालांकि जो कच्चा माल था लाखों का वो जलकर राख हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही किसी के जान की कोई नुकसान नहीं हुई और दमकल विभाग ने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया।